तो गाइस ये रहा हमारा केक, तो इस पर लिखा हैप्पी न्यू ईयर, तो उन्होंने यहाँ पे दो दो टैग लगा के दे दिए थे हैप्पी न्यू ईयर का, इधर हैप्पी बर्थडे का भी लगा हुआ था। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और आज नया साल है, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अभी मतलब रात में थोड़ा लेट सोया था इसलिए अभी उठ के मैं नहाया था, कुछ नहीं हूँ और बड़ी नींद आ रही है यार। तो पापा अभी नाश्ता कर रहे थे, पापा को तो जाना ही है अपने काम पे, तो पापा ने अभी भी नाश्ता कराया और पापा यहीं सामने खड़े हैं, कृष्णा भी यहीं बैठा है, मम्मी थोड़े बहुत काम कर रही है घर की, तो मैं भी उठता हूँ जल्दी जल्दी और फिर आज देखते हैं आज का क्या प्रोग्राम है। तो गाइस अभी अभी पापा चले गए, तो मैं अंदर फ़ोन लेने गए थे, मेरे पापा चले भी गए, मेरा वेट नहीं करा, गलत बात है। और मम्मी यहीं बाहर आई थी और पापा को छोड़ने के लिए। और पार्थ देखो, पार्थ हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। और ये कृष्णा यहाँ, अभी पापा जब जा रहे थे पापा के बाइक के टायर में डंडा आ रहा था। अरे इतनी बड़ी कैसे हो गई? एक ही दिन में देखो तो कितनी बड़ी बड़ी हो गई गोभियाँ। इधर भी हो रही है दो तीन गोभियाँ, वो पिंक हो रही है। एक ये देखो, ये पिंक गोभी हो रही है, हल्की हल्की पिंक हो रही है, ऐसे दिख नहीं रही है ज्यादा क्लियर। इधर भी काफी सारी गोभियाँ हो रही है, पिंक हो रही है। इनमें भी अच्छे से आई नहीं है, इधर वाली तीन चार ही काफी बड़ी हो गई है, चारों लाइन से बढ़िया, उधर दो वो भी सही है। तो गाइस अभी मैं नहा चुका हूँ और हाँ ये भी नहा चुका है। तो अभी मैं मार्केट से जा रहा था, मेरे को एयरपोर्ट लेने ना, मैंने जैसे पहले बताया था कि वो लेना है मेरे को, तो मैं आज लूंगा जाके, कल परसों मेरे को टाइम नहीं मिला, तो चलते हैं जल्दी से फिर देख के आते हैं कौन सा पसंद आएंगे। तो गाइस अब मैंने ले लिया, देखो ये है बोट के हैं ये, और इसके एक बात बढ़िया है मतलब इनकी दुकान की कि ये सारी ओरिजिनल चीज़ें रखते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कोई लोग ऐसे टाइप की दुकानें लगा के रहते हैं तो मतलब बेकार चीज़ें भी रख लेते हैं। तो मैंने आवाज़ वाव सब चेक करके आया हूँ और बैटरी टाइम भी इन्होंने कह दिया है और इन्होंने मेरे को एक महीने की वारंटी भी दी है। तो आपको भी पसंद आया तो लेना ज़रूर इस जगह से, अगर आप मेरे एरिया में रहते हो तो। ये वाले लिए हैं मैंने, अभी घर जाके इन्हें चेक करूँगा और अच्छे से मतलब उनका बैटरी टाइम भी चेक करूँगा। वैसे तो उसकी दुकान पे मैंने चेक करके लाया हूँ लेकिन फिर भी एक बार अपने वो सही रहता ना, वो कह रहे थे अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो मेरे को बता देना मैं दूसरे दे दूँगा। तो घर चलते हैं जल्दी से, इधर से चलते हैं जो थोड़ी छाया हो रही है ना, वैसे लोग सर्दियों में धूप में जाते हैं, हम लोग छाया में जाते हैं। तो जल्दी घर चलते हैं। तो आज अभी 2 बज रहे हैं और मैं अभी ये दिखाता हूँ मैं क्या लेके आया हूँ। तो ये वाले एयरपोर्ट लेके आया हूँ देखो, तो ये बोट के एयरडोप्स 402 है, तो आप इसका प्राइस देख के चेक कर सकते हैं। वैसे इसका असली प्राइस लगभग 1600-1700 के आसपास है लेकिन यहाँ पे मेरे को ये मात्र 500 रुपये के मिले, तो मज़ा आ गया मेरे को तो। अच्छा है मेरे लिए और आवाज़ काफ़ी बढ़िया है इनकी, ये देख सकते हैं आप अंदर से कुछ टाइप के हैं। तो अभी मैं साइड रखता हूँ और खाना भी ना सा बन चुका है तो मैं खाना खाऊंगा, खाने में आज मैंने छोला और चावल, जल्दी खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी शाम के 6 बज रहे हैं और पापा आ गए, तो मैं पापा और कृष्णा अभी मार्केट जा रहे हैं, तो आज न्यू ईयर है इस वजह से हम सोच रहे थे केक लेके आएंगे, तो अभी चलते हैं केक ले आएंगे और साथ में कुछ देख लेंगे खाने पीने का। तो मास्क पहन लिया और जल्दी चलते हैं बाहर, बाय बाय। तो अभी हम चल पड़े हैं, चलते हैं जल्दी मार्केट। तो गाइस अभी हम मार्केट में आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं बेकरी पे केक लेने के लिए, तो आज मार्केट में यहाँ पर काफ़ी भीड़ है क्योंकि न्यू ईयर है तो सब लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं और हम भी जाते हैं आगे फिर लेके आते हैं जल्दी और घर भी चलेंगे, ठंड भी हो रही है मतलब अच्छी खासी। हाँ बाइक चला रहे हैं, जल्दी चलते हैं फिर। तो गाइस अभी हमने केक ले लिया है और मतलब रास्ते में हमने एक स्पीकर भी ख़रीदा है पोर्टेबल ब्लूटूथ वाला, चलते हैं जल्दी, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी भीड़ थी ना क्योंकि इस वजह से काफ़ी देर हो गई, चलते हैं जल्दी घर। तो गाइस अभी हम घर आ चुके हैं और देखो ये वाला स्पीकर मैं लेके आया हूँ JBL का, तो देखो यहाँ पे इसकी प्रिंटिंग हो रही है साइड में भी, तो ये बेस के स्पीकर है, ये मेन स्पीकर है। तो ये स्पीकर मेरे को पड़ा है 3500 का, तो पापा ने मेरे को अभी ये न्यू ईयर का गिफ्ट दिया था हम दोनों को, तो थैंक यू। ये बैठे पापा,
तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ चलो सब बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। पार्ट तुम भी बोलो। हाँ तो बोल दो हैप्पी न्यू ईयर। तो पार्थ अभी हंसी रहा है, तो मैं ऐसे अभी ट्राई कर रहा था अच्छे से चला के, और उसकी बैटरी लाइफ लगभग 10-15 घंटे की बिता रहे थे वो। तो जल्दी से रखते हैं, थोड़े गाने चलाते हैं और फिर केक काटते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा केक, तो फ्रूट केक है ये, और इस पर लिखा है हैप्पी न्यू ईयर। इधर दोनों ने यहाँ पे दो दो वो लगा दिए थे, यहाँ पे एक हैप्पी बर्थडे का भी लगा दिया था, फिर वो हमने हटा दिया अभी। तो पार्थ कह रहा है कि मैं काटूंगा केक, ये चाकू लेके आगे बढ़ रहा है। तो पार्थ इधर बैठ गया केक काटने के लिए। क्या कर रहे होगे तुम? चलो इससे अब कृष्णा और ये मिलके से कट करेंगे। रुक जाओ, उसके हाथ से सही से करवा दे। ये क्या? तो अब दोनों मिलके केक काटने जा रहे हैं। हाँ बर्थडे के लिए तो गाना होता है, न्यू ईयर के लिए होना चाहिए यार कोई। तो ऐसे ही हम लोग बिना बिना किसी सुरताल के गा रहे बैठे हो गाना। तो पार्ट को खिलाओ। हाँ। तो पार्ट अब केक को काटे जा रहा है जब से। तो अबे दूसरा पीस पार्ट को तो खिलाओ कोई। तो तो इधर से बेचारे को छील डाला केक को। देखो क्या कर रहे हो? तो गाइस अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, और अभी हमने खाना पीना सब खा लिया। तो अभी मतलब मैंने अपना स्पीकर अच्छे से चेक कर लिया है, बढ़िया स्पीकर है वैसे तो। और बाकी इसकी 4 महीने की वारंटी भी है, कुछ दिक्कत पड़ेगी तो चेंज भी हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से सोने जा रहा था, एडिटिंग सुबह उठ के कर लूँगा। तो मिलते हैं फिर सुबह, गुड नाइट। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, और मैं उठा था अभी, हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था। अब तो वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।